फ्रेंड्स नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना खजाना विद सास बहू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए मुंबई मसाला कटलेट, जिसके लिए हमें बॉइल्ड आलू चाहिए, ब्रेड और टमाटो केचप, धनिया की चटनी जो हमने अभी बनाकर तैयार की है, और ये हमें चाहिए अमूल का चीज़ स्लाइस। जो ये बॉइल्ड आलू हैं इनकी हम स्टफिंग रेडी कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं डालना, बस राई का तड़का लगाना है और नमक ऐड करना है, हल्दी, बस इस तरह से हमें अपनी आलू की स्टफिंग रेडी कर लेनी है। और एक बाउल में हम बेसन घोलकर तैयार कर लेंगे। देखिए ज़्यादा पतला गाढ़ा नहीं रखना है, इस तरह का घोल बनाकर तैयार करना है। चलिए अब हम बनाते हैं मुंबई मसाला कटलेट्स। आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इनको निकालने की। इस पर हम एक ब्रेड पर लगाएंगे टमाटो सॉस, एक पर लगाएंगे हरे धनिए की चटनी, अब हम ये चीज स्लाइस इस पर ब्रेड पर रख देंगे और ये दूसरा ब्रेड इसके ऊपर कर देंगे। फिर इनके हम चार पीस कट कर लेंगे, तो कटने का बना भी देखिएगा इस तरह का। अब हम इस आलू में इसके अंदर ये हम ये ब्रेड को कवर करना है आलू की स्टफिंग के अंदर। और इस तरह से रोल रोल गोल घुमा लेके गोल करना है इसको। अब इसको हम इसमें बेसन में कोट कर लेंगे इसका बेसन को, और हम तेल के अंदर फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारे मुंबई मसाला कटलेट फ्राई हो चुके हैं, उनको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए अब इनको हम कट कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा चीज बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है अंदर, आप देख सकते हैं। और बच्चों को चीज तो बहुत पसंद होता है, तो प्लीज आप इसे ट्राई कीजिए एक बार, बहुत ही यम्मी लगते हैं। ये देखिए एक बार जरूर बनाइए। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।